वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे कर्मचारी साथी जो 1/1/2004 या उसके बाद में लगे हुए हैं, उनके GPF 2004 के जो नंबर है वो अपडेट होने शुरू हो गए हैं। जैसे ही आप SSO लॉगिन करेंगे, उसमें SIPF में जाएंगे तो वहाँ आपको नंबर शो हो जाएंगे। किस तरीके से चेक करने हैं उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं आज आपको दोबारा भी इसमें बता दूंगा। इसके बाद में जो GPF 2004 के जो नंबर है उसको पे मैनेजर पर कैसे अपडेट करना है, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो जो प्रोसेस है इसमें सबसे पहले तो आपको चेक करना है अपने SSO में जाकर के कि वास्तव में आपके GPF 2004 के नंबर जारी हुए या नहीं हुए। उसके बाद में यहाँ से जो डाटा है वो फेच होता है पे मैनेजर पे, तो पे मैनेजर पर्सनल लॉगिन पे जाकर के आपको चेक करना है कि वहाँ आपके GPF के जो नंबर है वो शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है, तो एक एक प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे यहाँ आप इसमें SSO में जाएंगे तो SSO में आपको यहाँ कैप्चा कोड पासवर्ड ID पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना है। अब जैसे यहाँ आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ अब जैसे थोड़ा सा इसमें एक बार मैं लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। SSO पे लॉगिन करने के बाद में यहाँ से इस तरीके से खुलेगा, इसमें आपको SIPF न्यू में जाना है। यहाँ से SIPF न्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में OTP आएगा और OTP के बाद में OTP एंटर करना है। उसके बाद में आपको इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो एक बार आप OTP आ जाए उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपको करना है। तो जैसे यहाँ देखेंगे OTP सेंड सक्सेसफुली, तो यहाँ आपको जो भी OTP आपके मोबाइल में आता है वो OTP आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ OTP एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद में ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद में आपको सबसे पहले तो चेक करना है आपके GPF 2004 के जो नंबर है वो जारी हुए या नहीं हुए। तो जैसे ही सबमिट OTP करेंगे OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, और इस तरीके से आप जैसे इसको लॉगिन करेंगे SIPF न्यू पे, तो यहाँ आपके GPF के जो नंबर है वो आपके शो हो जाएंगे। और यहाँ जैसे इसको क्लोज कर लें तो यहाँ एक तो जैसे यहाँ NPS है, ऐसा ही है GPF 2004, यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ आपके सामने ये नंबर शो हो जाएंगे GPF 0 और जो भी ये नंबर आगे अंक है ये 6-7 जो भी अंक है वो आपके शो हो जाएंगे। इस नंबर को आपको नोट कर लेना है कि ये नंबर आपके क्या है GPF के। अब इसके बाद में जो अगला स्टेप है वो आपको इसके लिए आपको पे मैनेजर पे जाना है। पे मैनेजर पे आपको पर्सनल लॉगिन में जाना है। तो अब जैसे मैं पर्सनल लॉगिन पे मैनेजर में यहाँ से एंटर करेंगे, तो यहाँ पर्सनल लॉगिन के लिए आपको यहाँ से अपना जो भी पासवर्ड है ये ID जो RJ वाली है वो पासवर्ड और कैप्चा कोड भरने के बाद में, यहाँ पहले कैप्चा कोड भर लें, उसके बाद में यहाँ जो भी नीचे जो ऑप्शन है उसमें आपको DDO की जगह एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है और यहाँ लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे रॉन्ग कैप्चा इंसर्टेड आ रहा है, तो एक बार कैप्चा है वो आपको दोबारा एंटर करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप कैप्चा एंटर करेंगे तो उसके बाद में लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल पे है वो यहाँ OTP सेंड ऑप्शन का जो आएगा, तो यहाँ आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल में ये जैसे OTP आ गया तो मैं OTP यहाँ एंटर कराऊँ। यहाँ OTP एंटर करने के बाद में आगे आपको किस तरीके से पूरा प्रोसेस करना, मैं एक एक स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ जैसे सबमिट करेंगे तो इस तरीके से अभी जैसे बिल एलोकेट हुए तो वो भी आपके यहाँ से हो जाएंगे। इसको यहाँ से बंद कर दें। अब यहाँ होम पेज में जाने के बाद में यहाँ एम्प्लॉई कॉर्नर है, इसमें यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो मास्टर डाटा है, और मास्टर डाटा में यहाँ जो तीसरे नंबर पे अपडेट नंबर डिटेल्स रिक्वेस्ट, यहाँ से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपके जो भी नंबर है, यहाँ GPF के नंबर शो हो रहे हैं, पैन नंबर शो हो रहे हैं, आधार नंबर शो हो रहे हैं, ऊपर आपका एम्प्लॉय का नाम शो हो रहा है, SI नंबर शो हो रहे हैं, आपके CPF नंबर है तो वो शो हो रहे हैं, मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं और अन्य जो भी कोई है वो आपके यहाँ शो हो रहे हैं। अब इसमें आपके GPF नंबर के शो हो रहे हैं जब तो कोई समस्या नहीं है, अगर यहाँ शो नहीं हो रहे हैं तो आपको इंतज़ार करना है, जब भी SSO से डाटा फैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ एक बार शो हो गए लेकिन पे मैनेजर पे आपकी जो सैलरी वगैरह जो बिल बनने हैं उनमें अभी शो नहीं हो रहे हैं, इसके लिए आपको अब इसको यहाँ से रिक्वेस्ट को जनरेट करना है। तो रिक्वेस्ट जनरेट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ एडिट ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ एडिट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ ये नंबर है, इसमें जैसे बेल्ट नंबर वगैरह GPF नंबर ये आप लिखना चाहते हो, यहाँ आधार नंबर है आप चेक कर लें, एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, पैन नंबर एडिट कर सकते हैं, और यहाँ GPF के नंबर है ये नॉन एडिटेबल है, ऑटोमेटिक आ रहे हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है कि इसको पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ से जैसे वापस दोबारा आप इसको अपडेट पर क्लिक करना है, तो यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक तो आएगा कि जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा और अपलोड जो फाइल है उसमें ऑप्शन आएगा। तो मैंने कहा कि इस पूरे पेज का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में
यहाँ आपको जो पीडीएफ के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेना और फाइल यहाँ अपलोड करनी है। तो मैं पहले तो यहाँ जनरेट ओटीपी कर दूँ या कोई भी फाइल चूज कर देता हूँ। तो जैसे मैं फाइल चूज कर देता हूँ तो यहाँ मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है इसी की, ये जैसे जो इसका जो स्क्रीनशॉट था इसी की मैंने पीडीएफ बनाई है, इसको मैंने यहाँ अपलोड कर ली। उसके बाद में यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है तो यहाँ दोबारा जो ओटीपी है वो जनरेट होगा। तो अब जैसे ओटीपी जनरेट हो गया तो आपको यहाँ जैसे ओटीपी आ गया तो मैं ओटीपी एंटर करूँ, यहाँ जैसे ओटीपी जो भी आया है वो आपको यहाँ एंटर करना है। और उसके बाद में यहाँ से अभी यहाँ जो इसमें आपको ओटीपी एंटर करना है तो मैं ओटीपी एंटर करके बताता हूँ। यहाँ जैसे ओटीपी एंटर किया फाइल चूज अब वापस दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि फाइल नहीं रही है। तो पहले ओटीपी करें उसके बाद फाइल चूज करें। यहाँ से जैसे मैंने जो भी फाइल है वो चूज कर ली है तो अब यहाँ जैसे ये फाइल मैंने चूज कर ली उसके बाद में यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल इस तरह का जो मैसेज आएगा और ये मैसेज यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एम्प्लॉय आईडी आपका नाम आ जाएगा और स्टेटस में आएगा फॉरवर्ड टू डीडीओ। अब यहाँ तक प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं, यानी अपने एसओसओ में जाकर के आप पहले चेक करें कि आपकी जीपीएफ 2004 के नंबर जारी हुए हैं या नहीं हुए। हुए हैं तो उसके बाद आपको पर्सनल पे मैनेजर जाना है, वहाँ आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके आपको इसको चेक कर लेना है और यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर का आप स्क्रीनशॉट लेकर के पीडीएफ बना लें, उसको अपडेट करके इसकी पीडीएफ को अपलोड करें और इस तरीके से इसको फॉरवर्ड करना है। अब ये फॉरवर्ड होकर के कहाँ जाएगा, डीडीओ पे जाएगा। तो मैं आपको डीडीओ पे लॉगिन करके आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ आपको डीडीओ लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन हो जाना है। यहाँ जैसे आप लॉगिन हो गए तो इस तरीके से मैसेज आएगा और यहाँ से आपको टेक मी टू मेन साइट, तो मेन साइट पे जाना है। यहाँ भी आपके सामने ये जो बिल है वो जो भी बिल एलोकेट हुए वो यहाँ शो हो रहे हैं। अब आपको यहाँ जो भी ऑथराइजेशन है इसमें जाना है और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ऑथराइजेशन में एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन। अब इसमें यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जो ऑथराइजेशन में मैंने बताया था एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन में एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ से बैंक जैसे एम्प्लॉय बैंक डिटेल बैंक एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल बैंक डिटेल बैंक अपडेट रिक्वेस्ट स्टेटस रिक्वेस्ट। तो अब यहाँ जो भी आपके डिटेल कोई अप्रूवल का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है तो जो भी प्रपोजल आया होगा या रिक्वेस्ट आया होगा वो यहाँ से हो जाएगा। तो अब यहाँ से जैसे यहाँ ये कार्मिक का नाम आ गया, जैसे मैंने अभी पर्सनल लॉगिन से डीडीओ पे भेजा था तो यहाँ नाम आ गया, एम्प्लॉय आईडी आएगी। उसके बाद में यहाँ व्यू पे आपको जो भी व्यू या डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो भी पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी, नहीं जो मैंने भेजा था वो यहाँ शो हो जाएगा। ये आपको एक बार चेक कर लेना है। अब जैसे ये फाइल है वो अभी शो नहीं हो रही है लेकिन एक बार आप देख लें। अब जैसे ये नहीं हो रहा तो यहाँ से आपको व्यू पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ मैं जैसे व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो व्यू पे ये इस तरीके से आ जाएगा जिसमें यहाँ जीपीएफ के नंबर है जो पहले जैसे आरजेजेल वाले जो आईडी थी वो शो हो रही थी। अब यहाँ नंबर जो न्यू एम्प्लॉय डिटेल्स है इसमें आपके जो नए नंबर है यहाँ से आपके नए नंबर है वो शो हो रहे हैं। तो ये आप देख लें, अच्छी तरह से चेक कर लें, इसको क्लोज कर लें और क्लोज करने के बाद में यहाँ अप्रूव पे क्लिक करना है। अगर कुछ गलती है तो आप यहाँ से रीजन लिख करके रिजेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन जैसे मैं अप्रूव करना है तो यहाँ से मैंने अप्रूव कर दिया। अप्रूव करके पूछेगा आर यू श्योर वांट टू अप्रूव, तो आपको ओके पे क्लिक करना है तो ये अप्रूव हो जाएगा और डाटा अप्रूव सक्सेसफुली। अब ये डाटा एचओडी के पास जाएगा और एचओडी से जब भी अप्रूव होगा तब आपका जो भी पर्सनल डिटेल में है आपके जीपीएफ के नंबर शो हो जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ एचओडी यहाँ रिपोर्ट्स में जाएंगे तो एचओडी रिपोर्ट्स में जाने के बाद में एम्प्लॉय रिक्वेस्ट स्टेटस या डीडीओ स्टेटस है इसमें आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑल पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ग्रुप में जितने भी रिक्वेस्ट है वो एचओडी की रिक्वेस्ट है वो यहाँ शो हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको चेक करना है कि रिक्वेस्ट जारी हुआ या नहीं हुआ। तो अब जैसे यहाँ से जो लेटेस्ट रिक्वेस्ट है वो सबसे यहाँ से नीचे जो ऑप्शन है यहाँ ये जैसे सबसे लास्ट में जो अभी ऑप्शन आ रहा है ये जैसे मैंने अभी रिक्वेस्ट भेजा था तो ये एम्प्लॉय आ गया, अप्रूव बाय डीडीओ आ गया, एचओडी पेंडिंग आ रहा है और अभी 26/10/2023 यानी आज 26 तारीख को मैंने ये रिक्वेस्ट भेजा है तो अभी एचओडी पेंडिंग आ रहा है। इसको जब भी आप कल चेक करेंगे या एक दो दिन में ये अपने आप ऑटोमेटिक जो भी होगा प्रोसेस हो जाएगा या पास हो जाएगा। जब ये अप्रूव हो जाएगा तब आपके जो बिल वगैरह सभी जगह जो जीपीएफ के नंबर है वो आपके शो हो जाएंगे। अभी जैसे चेक करेंगे तो जीपीएफ के नंबर अभी शो नहीं होंगे। मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ कि जैसे आप मास्टर में जाने के बाद में यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लें, जैसे मेरी की बात करूँ कि मैंने अभी जो डिटेल्स अपडेट की थी वो हुई नहीं हुई तो यहाँ एम्प्लॉय नंबर इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो अभी जैसे यहाँ जीपीएफ के जो नंबर है वो अभी जैसे आरजेएल वाली जो आईडी है वही शो हो रही है लेकिन जैसे ही वहाँ से एचओडी से अप्रूव हो जाएगा तो आपके सामने जो नए नंबर है जीपीएफ के वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएंगे, उसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी
कि आपको किस तरीके से अपने जो GPF 2004 के जो नंबर है वो पे मैनेजर पे किस तरीके से अपडेट करने, तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। एक बार मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं कि सबसे पहले तो आपको SSO ID में जाकर के बाद में SAPF न्यू में क्लिक करना है और वहाँ जाकर के आपको अपने नंबर चेक करने के, GPF 2004 के नंबर जारी हुए नहीं हुए, जारी नहीं हुए तो आपको वेट करना है। उसके बाद में आपको पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन करना है, OTP से लॉगिन होगा, उसके बाद में आपको वहाँ चेक करना है कि वहाँ GPF 2004 के नंबर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वहाँ शो हो रहे हैं, उसके बाद में आपको वहाँ से नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको PDF बना लेनी है और उसके बाद में उसको वहाँ से रिक्वेस्ट है वो जनरेट करना है और DDO को फॉरवर्ड करना है। रिक्वेस्ट जब DDO पर आ जाए तो आप DDO से संपर्क करके उनसे कहें कि रिक्वेस्ट को आगे HOD फॉरवर्ड करें, तो रिक्वेस्ट है वो HOD फॉरवर्ड हो जाएगा और HOD से जब भी अप्रूव हो जाएगा तब आपके जो भी GPF के नंबर है वो आपके शो हो जाएंगे। किस तरीके से शो होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। आप एम्प्लॉय डिटेल्स में जाकर के यहाँ मास्टर में जाएंगे और मास्टर में जाने के बाद में एम्प्लॉय डिटेल में जाएंगे तो यहाँ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद में जो एम्प्लॉय नंबर्स है उसमें जाकर के चेक करेंगे तो GPF के नंबर है वो शो होने शुरू हो जाएंगे और आगामी जो भी बिल होंगे उनमें भी वो नंबर है वो शो होने शुरू हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह से पे मैनेजर से संबंधित जितने भी टॉपिक्स या समस्याएं सभी का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सलाह दर्पण पे मैनेजर या इनकम टैक्स से संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप एक बार सारे वीडियो जरूर देख लें और फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करें, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और जो नवनियुक्त कार्मिक हैं उनके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है कि उनकी ID कैसे बनाएं, एम्प्लॉय ID कैसे बनाएं, जो पुरानी SSO ID थी उसको गवर्नमेंट ID में कैसे मर्ज करना है उसका भी मैंने लाइव प्रोसेस बताया है। इसके अलावा पे मैनेजर पे जो भी नए कार्मिक हैं उनकी फर्स्ट सैलरी बना रहे हैं तो RGSS की कटौती कितनी होगी, GPF 2004 की कटौती कितनी होगी, वो सारी जानकारी मैंने वीडियो बना करके दी हुई है। तो कृपया चैनल को विजिट जरूर करें, आपको कोई ना कोई काम की चीज़ जरूर मिल जाएगी। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो, आशा करता हूँ आप सबके लिए उपयोगी रहेगा। अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।